हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज आपके लिए लेके आया हूँ सैमसंग का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। आज करेंगे इस रेफ्रिजरेटर का पूरा रिव्यू। श्रीवा वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना भाई। सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और सबसे पहले आपको मेन चीज़ बता दूँ, दो रीज़न ऐसे इस रेफ्रिजरेटर को ख़रीदने के जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। और दो रीज़न जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। डिज़ाइन वगैरह की बात करूँ तो फ्लावर डिज़ाइन के साथ बहुत ही बढ़िया लुक निकल के आती है इस रेफ्रिजरेटर की। और प्राइसिंग की बात करूँ तो बहुत सस्ते दाम में आपको ये रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको लगे तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डोर मिल जाता है स्टेनलेस स्टील का पूरा, उसके अंदर आपको डिज़ाइन मिल जाती है बहुत ही प्यारी। रेड कलर के अंदर ये रेफ्रिजरेटर है, 6U वाला मॉडल है इसका, 6R, और इसके अंदर जो ब्लू कलर आता है वो 6U करके आता है। सेम डिज़ाइन सेम फ्रिज, कलर चेंज हो जाएगा, सिर्फ ब्लू कलर में आ जाएगा। जो आपको नंबर वन का टिकर मिल रहा है सेम वैसा ही। 2-स्टार रेटिंग के साथ आता है, 188 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम खर्च होती है भाई इस रेफ्रिजरेटर के अंदर। और अगर इसका वॉल्यूम देखें, स्टोरेज वॉल्यूम, तो आपको 183 लीटर का इसका स्टोरेज वॉल्यूम मिल रहा है, मतलब 192 लीटर का ही है। सिर्फ अभी ग्रॉस वॉल्यूम हटा दिया है और टोटल वॉल्यूम रखते हैं सैमसंग वाले। उसके नीचे आपको एक स्टिकर मिल जाता है, उसके नीचे चलते हैं तो आपको 20 ईयर वारंटी ऑन कंप्रेसर मिल जाती है। मतलब आप समझ के चलिए भाई, 20 साल वारंटी अगर आपको कोई रेफ्रिजरेटर दे रहा है, कोई ब्रांड दे रहा है, तो 20 साल तक वैसे भी फ्रिज को कोई होने ही वाला नहीं है। और प्राइस रेंज के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया ये रेफ्रिजरेटर निकल के आता है। उसके अंदर अगर नीचे बात करें तो आपको स्टेपलाइजर वगैरह सब कुछ इनबिल्ड है। 21-स्टार टेस्टेबल बाय VDB है, VDB एक ब्रांड है जो कंप्रेसर टेस्टिंग का काम करता है उससे। ये सर्टिफाइड है रेफ्रिजरेटर की, 21 साल तक कंप्रेसर टेस्टिंग है, इसलिए 20 साल डायरेक्टली वारंटी है। 20 साल वारंटी कंप्रेसर की आती है और 1 साल पूरे फ्रिज की आती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। ऊपर के साइड आपको एक पॉकेट हैंडल मिल जाता है, बीच में एक सैमसंग की फिनिशिंग मिल जाती है। उसके साथ सबसे अंदर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अभी तो आपको सबसे पहले आप लुक देख लीजिए अंदर से। गैसकिट की बात करें तो गैसकिट आने वाली है रिमूवेबल, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गैसकिट के अंदर खाना अगर फंस गया ना तो बहुत दिक्कत आती है लोगों को, उसमें से स्मेल गंदी आ जाती है, स्मेल प्रोवाइड हो जाती है फ्रिज के अंदर। लेकिन इसके अंदर वैसा कुछ नहीं होगा, गैसकिट बड़े आराम से निकाल के आप धो के वॉश करके रख सकते हो। बाकी मटेरियल क्वालिटी की बात करूँ तो पूरी की पूरी टफन वर्क क्वालिटी है। आपको हाथ से अगर मटेरियल टूट फूट गया तो कुछ नहीं होगा, गिर गया तो टूटेगा फूटेगा नहीं, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, आप देख ही सकते हो। बाकी ये तो डायरेक्ट शेल्फ ही निकल गए मेरे से, लेकिन क्वालिटी अच्छी है भाई। वो कुछ नहीं, मैं लगा देता हूँ, लॉक इसके शायद से ढीले है। और उसी के नीचे आपको शेल्फ क्वालिटी वगैरह सब कुछ बढ़िया मिलती है। नीचे के साइड भी आपको बहुत बढ़िया एक शेल्फ मिल जाता है, जिससे कि आप 2 लीटर वाटर बड़े आराम से रख सकते हो। और बात करूँ आपको डिज़ाइन तो देख ही सकते हो, डिज़ाइन बहुत ही अच्छे है। और भाई रीज़न अगर मैं बताऊँ ये रेफ्रिजरेटर क्यों लेना चाहिए, तो प्राइस रेंज के हिसाब से आपको ऑनलाइन सस्ता गिर जाएगा शॉप के अकॉर्डिंग। ये रेफ्रिजरेटर आपको शॉप में 14,000 या 14,500 या 15,000 तक इस रेंज में मिल जाएगा। आप सब कुछ मान के चलिए 14,000 या 15,000 के अंदर आपको ये रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा। पीछे की साइड की बात करूँ तो पूरा का पूरा पैक रेफ्रिजरेटर होने वाला है, जाली वगैरह का सिस्टम ख़त्म है। जाली से क्या होता था, आपको दीवार के थोड़े 4-5 इंच दूर रखना पड़ता था फ्रिज, और जाली वगैरह रख जाते थे, वो बहुत दिक्कत थी। नीचे के साइड आपको इसके कंप्रेसर मिल जाता है और पूरा फ्रिज पैक है। पैक फ्रिज है इसलिए जो 3 साइड है, लेफ्ट राइट और अप वाली, ये 3 साइड हीट होती है, लेकिन इतनी भी नहीं, नॉर्मली हीट होती ही है। बहुत सारे कस्टमर हमारे पास वही कंप्लेंट लेके आते हैं कि साइड गर्म हो रही है, साइड हीट हो रही है, लेकिन भाई नॉर्मल बात है, लिखा हुआ भी रहता है साइड में, स्टिकर है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि साइड गर्म होगी, हीट होगी ही। और बात करते हैं फ्रीजर की, तो फ्रीजर के अंदर आपको पहले तो आपको टेम्परेचर कंट्रोल का बटन मिल जाता है, यही से आप पूरा आपका टेम्परेचर कर सकते हो। बीच में बटन आपको डिफ्रॉस्ट का मिल जाता है, डिफ्रॉस्ट आप कर सकते हो डायरेक्टली। अगर फ्रीजर ओपन करो तो फ्रीजर भी बहुत बढ़िया आपको इसके अंदर मिल जाता है, बड़ा फ्रीजर है। और मटेरियल क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही तगड़ी मटेरियल क्वालिटी आपको इसकी निकल के आती है। क्वालिटी की बात करूँ तो सैमसंग को कोई टक्कर ही नहीं दे सकता, क्वालिटी एक नंबर है, आप देख ही सकते हो। फ्रीजर भी बहुत बढ़िया है इसका। अंदर के साइड जो आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है, जो रेड कलर का इंडिकेटर दिख रहा है, ये इसके लिए रहता है कि इसके ऊपर अगर बर्फ़ जमा हो गई तो आप डिफ्रॉस्ट कर दीजिएगा फ्रिज, कोई दिक्कत नहीं आती। उसके नीचे चलते तो आपको एक ट्रे मिल जाता है, जिसमें आप बड़े आराम से दूध पैकेट वगैरह रख सकते हो। उसी के साथ नीचे बल्टे तो आपको 5 शेल्फ मिल जाते हैं, 3 शेल्फ मिल जाते हैं, जिसमें कि आप बड़े आराम से चीज़ें रख सकते हो। और 175 केजी तक का वेट अगर आपने शेल्फ पे रखा तब भी शेल्फ को कुछ नहीं होगा। वेजी बॉक्स भी बहुत बढ़िया है, वेजी बॉक्स भी बहुत बड़ा मिलता है, आप देख ही सकते हो। बड़े आराम से 5-6 किलो सब्जी आपकी इनके अंदर समा जाती है।
बहुत अच्छा फ्रिज है, आपको लेना है तो ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो मैं आपको सबसे अच्छा रीज़न बताता हूँ, प्राइसिंग और डिजिटल इन्वर्टर कॉम्प्रेसर, जितना सामान आप इसके अंदर रखोगे उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी लेगा, और इलेक्ट्रिसिटी लिटरली बहुत कम लेता है ये वाला रेफ्रिजरेटर, सैमसंग का हर कोई रेफ्रिजरेटर, क्योंकि डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आती है भाई, तो जितनी हीट फ्रिज के अंदर प्रोवाइड होगी उससे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी लेगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नए किसी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।